Assalamu alaikum, how are you all? Hope you all are doing well. So before lockdown मैंने आप लोगों को एक new chapter start करवाया था SST का unit 1 geography का chapter number 1 था maps जो कि था page number 2 पे. जो बच्चे lockdown से पहले नहीं आ रहे थे, classes नहीं ले रहे थे और वो बच्चे जो आ रहे थे, मैं एक दफ़ा आप लोगों को इस chapter को दोबारा review देती चलूँ कि हमने इस chapter में क्या क्या पढ़ा था. So let's start with chapter number 1 maps. अच्छा, आप सब जानते हैं कि अर्थ जो है हमारे पास वो है स्फेयर है, वो गोल है, राउंड है और अर्थ की सरफेसेस को, अर्थ की ज़मीन को की एक ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल है पूरे अर्थ की ज़मीन को. पर मैप जो है वो एक वाहिद ड्राइंग है अर्थ की जो कि शो करती है डिफरेंट प्लेसेस को, डिफरेंट जगहों को, अर्थ के कौन सी जगह कहाँ पर. सो मैप हेल्प अस लोकेट प्लेसेस. There are many kinds of map. Map जो हैं वो different तरह के होते हैं. सबसे पहले a physical map, a political map and a relief map. Physical map जो है वो hills, mountains, rivers, valleys और जितने भी other landforms होते हैं इन सबको, ये सब physical maps में show होते हैं. political maps में जितनी भी towns, cities and borders होते हैं between countries के, वो हम political maps में show करते हैं. और relief map में जो है वो height of hills and mountains की जो lines drawn to show height in meters, यानी कि माउंटेन्स की हाइट जो कि मीटर्स में शो होती है और हाइट ऑफ हिल्स जो है ये रिलीफ मैप में शो होता है. नाउ नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं इसमें, देखें ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि 60 डिग्री टू बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं हमारे पास, ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ पास हो रही हों और जी या नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल कर रही हों, उनको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और वो लाइंस जो कि वर्टिकली पास हो रही होती हैं या ट्रैवल कर रही होती हैं ईस्ट टू वेस्ट, उनको हम कहते हैं पैरेलल टू द इक्वेटर और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. जो हॉरिजॉन्टली पास होती हैं नॉर्थ से साउथ को तक, उनको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और जो वर्टिकली ईस्ट टू वेस्ट पास होती हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स टू द इक्वेटर होती हैं. इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर देखिए ये जो लाइंस हैं डिफरेंट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड, तो जो इक्वेटर होता है वो लाइन इज़ द लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच गोज़ द ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. इट डिवाइड द अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. जो इक्वेटर